नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है फिर से एक बार रविंद्रनाथ। इस निबंध का शीर्षक है रविंद्रनाथ की आध्यात्म आधारित विश्व दृष्टि। यह लेख रविंद्रनाथ के जन्म के 150वें साल के मौके पर लिखा गया था और इसे दिल्ली के एक सेमिनार में पढ़ा भी गया था। तो लेख इस प्रकार है, यह रविंद्रनाथ के जन्म का 150वां वर्ष है। सांस्कृतिक रूप में सजग भारत के किसी भी व्यक्ति को रविंद्रनाथ ने आकर्षित न किया हो ऐसा संभव नहीं है। ऊपर से यदि आप बंगाल के निवासी हैं तो रविंद्रनाथ की उपस्थिति का एहसास निश्चित तौर पर आप पर बना ही रहेगा। रविंद्रनाथ के समूचे व्यक्तित्व पर कोई जितना भी विचार करता है सबसे पहले उस जीवन और व्यक्तित्व की विशालता और विपुलता का वैभव आश्चर्यचकित करता है। रविंद्रनाथ कहीं से ऐसे इंसान नहीं थे जिनमें एक गुलाम देश के नागरिक की किसी भी प्रकार की कुंठा का लेश मात्र मौजूद हो। स्वतंत्रता उनकी कामना नहीं, उनकी नैसर्गिकता थी। तुलसीदास लिखते हैं, मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। एक अकुंठ, अखंड और संपूर्ण मानवता को समर्पित रविंद्रनाथ के समान विराट वैभवशाली व्यक्तित्व का भारत की तरह के गरीब और गुलाम देश में कैसे निर्माण हुआ यह किसी के लिए भी विस्मय का विषय हो सकता है। 7 मई 1861 के दिन कोलकाता के प्रसिद्ध ठाकुर परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ के पूरे जीवन काल को सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास का नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास का एक भारी उथल पुथल और संक्रमण का काल कहा जा सकता है। तत्कालीन बंगाल में उनके जन्म के पहले ही नवजागरण के युग का प्रारंभ हो गया था। यूरोप के रेनेसांस के तुलना में इस नवजागरण का दायरा बहुत सीमित और प्रभाव काफ़ी मामूली था, लेकिन यह निश्चित तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनप रहे छीणकाय पूंजीवाद पर ही आधारित था। 19वीं सदी के मध्य में हमारे देश में ब्रिटिश पूंजी के बल पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी। सन 1853 में भारतीय रेल की स्थापना हुई, 1852 में चाय बागान बने, 1853 में मुंबई में पहली कपड़ा मिल बनी, 1854 में रानीगंज में पहली कोयला खदान शुरू हुई, 1855 में पहली चटकल की स्थापना की गई। यह सब ब्रिटिश पूंजी के बल पर हुआ था। 1857 तक हमारे देश के बुद्धिजीवी ब्रिटिश कंपनियों के दलाल मुसद्दी थे या सरकारी नौकरियां कर रहे थे। बंगाल में अंग्रेजों द्वारा जमीन के इस्तेमारी बंदोबस्त से जिस नए जमींदार वर्ग का जन्म हुआ उनमें से अधिकांश इन मुसद्दियों के बीच से ही आते थे। स्वयं ठाकुर परिवार भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रविंद्रनाथ के दादा प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर सरकारी अमीन भी थे। यह तबका एक ओर जहाँ नई नई जमींदारियाँ खरीद रहा था वहीं अंग्रेज व्यापारियों की तर्ज पर नील कोठी सहित तमाम प्रकार के व्यवसाय वाणिज्य में लगा हुआ था। उसकी अपनी आर्थिक बुनियाद उतनी मजबूत न होने और इसी वजह से चेतना के स्तर पर भी पिछड़े हुए होने के कारण ही संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह की तरह के जन विद्रोहों को किसी प्रकार का नेतृत्व देने में वह वर्ग पूरी तरह से विफल रहा था। उनके जीवन और विचारों में बुद्धि और भक्ति, आध्यात्म और वस्तुवाद तथा सुधार और क्रांति के विचारों की भारी गड्ढमड्ढ स्थिति दिखाई देती है। सुधार की ओट में साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ एक प्रकार का समझौता करके चलने की मानसिकता ही प्रबल थी। बहरहाल जैसे दुनिया के सभी सुधारवादी आंदोलनों के इतिहास में एक विशेष भूमिका रही है वैसे ही भारतीय इतिहास में भी नवजागरण के उस प्रारंभिक सुधारवादी दौर की भूमिका को छोटा करके नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा भारत के परंपरागत जड़ीभूत समाज में ब्रिटिश साम्राज्य की लुटेरी किंतु साथ ही एक ठहरे हुए समाज की जड़ों को हिला देने वाली भूमिका ने भी यहाँ के उदीयमान बुद्धिजीवी समुदाय की मानसिकता को
तैयार करने में एक भूमिका अदा की थी। बंगाल और भारतीय नवजागरण के इस दौर के श्रेष्ठ व्यक्तित्व राजा राममोहन राय ने जिस आवेग और अध्यवसाय, विद्वता और निष्ठा के साथ भारतीय समाज की तमाम जड़ताओं को चुनौती दी, यूरोप के बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा की और साथ ही स्वतंत्रता और समानता के संघर्ष का सूत्रपात किया, उसने बिल्कुल सही राममोहन को आधुनिक भारत और भारत की राष्ट्रवादी चेतना का प्रवर्तक बना दिया। राममोहन राय और उनके साथ जुड़े भारतीय नवजागरण और नवजागरणकालीन तमाम व्यक्तित्वों की अपनी अपनी लंबी कहानियां हैं। यहाँ हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि ठाकुर परिवार, रविन्द्रनाथ के दादा प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर, पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ सहित उनके सभी भाई बंधुओं का विशाल परिवार इस पूरे नवजागरणकालीन विमर्श का एक अभिन्न हिस्सा था। जन्मकाल से ही रविन्द्रनाथ की मज्जा में इस नवजागरण और राष्ट्रीय विमर्श का रक्त प्रवाहित हो रहा था। शिवनाथ शास्त्री ने सन 1856 से 1861 के काल के बारे में लिखा है कि कोट, इस काल को बंग समाज के लिए महेंद्र क्षण कहा जा सकता है। इस काल में विधवा विवाह का आंदोलन, इंडियन म्यूटिनी, नील का हंगामा, हरीश का आविर्भाव, सोम प्रकाश का अभ्युदय, देसी रंगशाला की स्थापना, ईश्वरचंद गुप्त की मृत्यु और मधुसूदन का आविर्भाव, केशवचंद सेन के ब्राह्म समाज का प्रवेश और ब्राह्म समाज में नई शक्ति का संचार इत्यादि तमाम घटनाएं घटी थी। इनमें से प्रत्येक ने बंग समाज को प्रबल रूप में आलोड़ित किया था। ये रामतनु लाहिड़ी वो तत्कालीन बंग समाज से लिया गया उदाहरण है। एक और देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशवचंद सेन का हिंदू समाज के कुसंस्कारों के खिलाफ आंदोलन और ब्राह्म धर्म का प्रचार, दूसरी ओर डिरोजियो के यंग बंगाल का धर्म के खिलाफ विद्रोह और यूरोप की संस्कृति और जनवादी चेतना का आंदोलन बंगाल के तत्कालीन शिक्षित समाज में एक नए प्रकार के जागरण और जीवन का संचार कर रहा था। अक्षय कुमार दत्त, देवेंद्रनाथ ठाकुर, राजनारायण बसु, ईश्वरचंद विद्यासागर, प्यारीलाल मित्र, राम गोपाल घोष, रसिक कृष्ण मल्लिक, रेवरेंड कृष्ण मोहन माइकल मधुसूदन, दीन बंधु मित्र, राजेंद्र लाल मित्र और हरीश मुखोपाध्याय की तरह के प्रतिभाशाली और व्यक्तित्वशाली लोगों के उदय ने तत्कालीन जातीय संस्कृति और चरित्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन का सूत्रपात किया था। इसी प्रकार हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश और तत्वबोधिनी पत्रिका तथा साहित्य के क्षेत्र में माइकल मधुसूदन और दीन बंधु मित्र की तरह के साहित्यकारों के आविर्भाव ने बांग्ला भाषा और बंग साहित्य में एक नए युग का प्रारंभ किया था। कुल मिलाकर यह युग एक राष्ट्र के उदय का युग था। परवर्ती दिनों में क्रमशः राष्ट्रवाद और स्वाभिमान की भावना प्रबल होने लगी थी। रविन्द्रनाथ अपनी जीवन स्मृति में लिखते हैं, कोट, बचपन में मेरे लिए सबसे बड़ा सुयोग यह था कि घर में दिन रात साहित्य का वातावरण बना रहता था। साहित्य और ललित कला में उनके परिवार के लोगों के उत्साह की सीमा नहीं थी। वे जैसे सभी कोणों से बंगाल के आधुनिक युग का आह्वान करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब रविन्द्रनाथ का कोटेशन है। वेशभूषा, कविता, गीतों, चित्रों, नाटकों, धर्म, स्वदेशीपन इत्यादि प्रत्येक विषय में उनके अंदर एक स्वयं संपूर्ण जातीयता का विचार जाग गया था। बांग्ला में देशभक्ति के गीत और कविताओं का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। कितने दिन की बात है कि तो बात है, गणदादा रचित लज्जित मन से भारत यश का गान कैसे करूं हिंदी मेले में गाया जाता था। ये जीवन स्मृति में उन्होंने यह बात कही थी अपने इस लेख में। कुल मिलाकर ठाकुर परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने प्राचीन सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ संघर्ष शुरू किया था और उसके साथ ही वह आधुनिक युग के आह्वान और उसकी रचना के काम में
दीवानगी की हद तक लगा हुआ था। इससे बचपन में ही रविंद्रनाथ के मन में धर्म और आध्यात्मिकता, स्वदेशीपन और राष्ट्रीयता, साहित्य और कला साधना, इन सब के बीज पड़ चुके थे। सन 1867 में पहले हिंदू मेला का आयोजन हुआ। तब रविंद्रनाथ सिर्फ 5 साल के थे। चैत्र संक्रांति के दिन आयोजित किए जाने वाले इस मेले का प्रमुख उद्देश्य जनचित्त में देशभक्ति की भावना का प्रसार था। इस मेले के आयोजन में ठाकुर परिवार की एक प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। कोलकाता के पारसी बगान में इस मेले के नवम अधिवेशन में किशोर कवि रविंद्रनाथ ने अपनी देशभक्ति की कविता हिंदू मेला का उपहार का पाठ किया था, जिसे रविंद्रनाथ अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में हमेशा याद करते रहे। रविंद्रनाथ के शब्दों में कोट, हमारे घर की सहायता से हिंदू मेला नाम के एक मेले की सृष्टि हुई थी। नवगोपाल मित्र महाशय को इस मेले का कर्णधार बनाया गया था। पहली बार भारतवर्ष को स्वदेश मानकर उसके प्रति भक्ति भाव को अर्जित करने की कोशिश हुई थी। मझले दादा ने तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत मिले सभी भारत संतान की रचना की थी। लॉर्ड कर्जन के काल में दिल्ली दरबार के बारे में एक लेख लिखा था। लॉर्ड लिटन के काल में कविता लिखी थी हिंदू मेला का उपहार। तत्कालीन अंग्रेज गवर्नमेंट विरोध से डरती थी, लेकिन 14-15 साल के बाल्य कवि की लेखनी से नहीं डरती थी। हिंदू मेला में पेड़ के तले खड़े होकर उसका पाठ किया था। हिंदू मेला का उपहार कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं। हिमाद्रि शिखोरे शिला सोन पौरीगार व्यास ऋषि वीणा हाथे कोरी कापाए पर्वत शिखर कानन कापाए निहार शीतल वाय झमकारिया वीणा कविवर गाय कैनो रे भारत कैनो तुई हाय आबार हासिस हासी बार दिन आछे की एखनो एक घोर दुख है। हिम शिखरों की शिला पर बैठ वीणा थामे व्यास ऋषि गाते हैं। पर्वत शिखरों का वन काँप उठता है, काँप उठती है बर्फीली शीतल वायु, झंकृत वीणा को कवियर गाते हैं। क्यों भारत क्यों तू हाय फिर हंस रहे हो, हंसने के दिन बचे हैं अब भी इस घनघोर दुख में। इसी प्रकार दिल ये उनकी कविता का हिस्सा था। इसी प्रकार दिल्ली दरबार के बारे में कविता में उस दरबार में शामिल होने वाले देसी राजाओं पर रविंद्रनाथ ने जो तीखा व्यंग किया था वह देखते बनता है। ठाकुर परिवार ने सिर्फ हिंदू मेला ही नहीं, इटली के क्रांतिकारी गुप्त संगठन की तर्ज पर संजीवनी सभा नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था, जिसे चलाने वाले व्यक्ति थे राजनारायण बसु और ज्योतिरिंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ एक चिरयावर थे। अपने लंबे जीवन में देश विदेश की उन्होंने जितनी यात्राएं की, तब बहुत थोड़े लोग ही उतनी यात्राएं कर पाते थे, और ये सभी यात्राएं किसी सांस्कृतिक मिशन से कम नहीं हुआ करते थे। सिर्फ 17 साल की आयु में 20 सितंबर 1878 के दिन अपनी पहली विलायत यात्रा के पहले उन्होंने अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय साहित्य का विशद अध्ययन किया। पूरी तरह से ग्रहण न कर पाने के बावजूद दाते गोथे तक को उनके अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। कुल मिलाकर इस समूची तैयारी का प्रभाव उनके मानस के विस्तार और खुलेपन के रूप में सामने आया। उनके अंदर की संस्कारगत धार्मिक जड़ता और दूसरे प्रकार की तमाम संकीर्णताएँ इस पहली यात्रा से ही काफ़ी हद तक टूट गई। अपनी जीवन स्मृति में इस पर उन्होंने विस्तार से लिखा है। रविंद्रनाथ के व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी यात्राओं की बड़ी भारी भूमिका रही। इन सब के बावजूद यही सच है कि रविंद्रनाथ पर सबसे गहरा असर उनके परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का था, जिससे वे कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाए। वे जब सिर्फ 11 वर्ष के थे तभी उनका उपनयन संस्कार हुआ था। पिता देवेंद्रनाथ ने इस आयोजन को अपने ढंग से एक अभिनव योजना बनाने के लिए इसमें ब्राह्म धर्म के उपादानों का प्रयोग किया। आचार्य आनंद चंद्र वेदांत वाकीस की सलाह पर वैदिक मंत्रों का पाठ किया गया। उस समय गायत्री मंत्र का जो पाठ किया गया उसके प्रभाव को
रविन्द्रनाथ सारा जीवन याद किया करते थे। उनके शब्दों में कोट, उस उम्र में ऐसी बात नहीं है कि मैं समझता था कि गायत्री मंत्र का मायने क्या है, लेकिन आदमी के अंतर में कुछ ऐसा है कि पूरी तरह से न समझने पर भी उसका प्रभाव रहता है। इसीलिए मुझे एक दिन की बात याद है जब हमारी पढ़ाई के कमरे में ईंटों से बने फर्श के एक कोने में बैठकर गायत्री जाप करते करते अनायास ही मेरी दोनों आँखें भर आई और लगातार जल गिरने लगा। जल क्यों गिर रहा था इसे मैं ज़रा भी समझ नहीं पाया। असल बात यह है कि अंतर के अंतःपुर में जो काम चल रहा है बुद्धि के क्षेत्र में हमेशा उसकी खबर नहीं पहुंचती है। यह भी उनके जीवन स्मृति से ही लिया गया है। न सिर्फ उपनिषदों के मंत्रों पर बल्कि आदि ब्राह्म समाज के नाना विधि विधानों और संस्कारों पर काफ़ी लंबे अरसे तक उनकी अंधश्रद्धा थी। हालांकि परवर्ती दिनों में बुद्धिवाद के तीखे तर्कों ने उन्हें काफ़ी झकझोरा भी। रविन्द्रनाथ ने अपने अंतिम दिनों में लिखे मानुषे धर्म शीर्षक ग्रंथ में बचपन से ही खुद पर धर्म के प्रभाव के बारे में विस्तार से लिखा है। कोट, हमारा जन्म जिस परिवार में हुआ उस परिवार की धर्म साधना एक खास प्रकार की थी। उपनिषद और पितृदेव के अनुभव, राम मोहन और अन्य साधकों की साधना ही हमारे पारिवारिक साधना थी। मैं पिता का छोटा बेटा था। जात कर्म से शुरू करके मेरे सारे संस्कार वैदिक मंत्रों से हुए थे, निश्चित तौर पर ब्राह्म मत के अनुरूप। जाहिर है, कोटेशन क्लोज, जाहिर है कि रविन्द्रनाथ के इन गहरे धार्मिक संस्कारों ने उनकी रचनाशीलता को खास आध्यात्मिक रूप दिया। वह हमेशा उनकी कवि सत्ता का अभिन्न अंग बना रहा। वे जब सिर्फ 21 साल के थे तभी उन्होंने प्रभात संगीत संकलन की कविताएं लिख ली थी। इन कविताओं की व्याख्या करते हुए खुद रविन्द्रनाथ ने अपनी सृजनात्मकता के इस आध्यात्मिक पहलू को खुले मन से स्वीकारा है। प्रभात संगीत की दूसरी कविता है निर्झर स्वप्न भंग को, निर्झर का स्वप्न भंग। इस कविता में वे लिखते हैं कि कोट, एक अभूतपूर्व अद्भुत हृदय स्फूर्ति के दिन निर्झर स्वप्न भंग लिखी गई थी। लेकिन उस दिन कौन जानता था कि उस कविता में मेरे समस्त काव्य की भूमिका लिखी जा रही है। कोटेशन क्लोज। आज ये प्रभाते रवीर कौर कैमुन पासी लो प्राणेर पौर कैमोने पासी लो गुहार आधारे प्रभात पाखीर गान ना जादी कैनो रे एतो दिन पौरे जागिया उठी लो प्राण जागिया उठे छे प्राण उरे उथोली उठे छे बारी उरे प्राणेर वासना प्राणेर आवेग रुधिया राखी ते नारी। आज के इस प्रभात काल में सूर्य की किरणें प्राणों के भीतर कैसे प्रवेश कर गई, गुहा के अंधकार में प्रभात पक्षी का गान कैसे समा गया। न जाने इतने दिनों बाद प्राण क्यों कर जाग उठे हैं, प्राण जाग उठे हैं। अरे प्राणी उछल कर उमड़ पड़ा है, अरे पानी उछल कर उमड़ पड़ा है। अरे प्राणों की वेदना, प्राणों के आवेग को रोक रखना संभव नहीं अब। प्राणों के इस प्रवाह की गति महाविशाल समुद्र की ओर थी। न जाने कोटेशन, न जाने आज क्या हुआ कि जाग उठे हैं प्राण, मानो कानों में पड़ा हो दूरस्थ महासागर का गान। इस महासागर की प्रतिमा ही रविन्द्रनाथ में बाद में विराट पुरुष महामानव का रूप लेती है। परवर्ती दिनों की रविन्द्रनाथ की संपूर्ण राजनीतिक चेतना का बीज जैसे इस कविता में दिखाई देता है। गीतांजलि की प्रसिद्ध कविता भारत तीर्थ के यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे के पूरे रूप के आधार को आध्यात्मिक अखंड विश्व असीम और अनंत ब्रह्मांड से जुड़े उनके विस्तृत हृदय अकुंठ व्यक्तित्व में देखा जा सकता है। भारत की गुलामी की जंजीरों ने उनमें आक्रोश तो पैदा किया लेकिन कभी भी पराजय या किसी प्रकार के कुंठा का भाव पैदा नहीं। बुनियादी तौर पर भारतीय अध्यात्म पर आधारित इस उदार और विशाल हृदय की जमीन पर खड़े होकर ही रविन्द्रनाथ ने अपने वक्त के सभी राजनीतिक और सामाजिक विमर्शों में
नितांत मौलिक ढंग से हस्तक्षेप किया। वह विमर्श भले उग्र राष्ट्रवाद की दलीलों को अस्वीकारने का हो या कथित माड्रेट नेशनलिस्ट राजनीति के खिलाफ विवेक और तर्क के साथ जन जन को जगाने वाली देशभक्ति की कार्रवाई का हो, बंकिम युग की परिपाटी पर जिस प्राचीन हिंदू राजाओं की वीर गाथाएं लिखकर उग्र राष्ट्रवाद का संदेश दिया जा रहा था, उसी समय रविन्द्रनाथ ने अपनी रचना बहु ठाकुरानी का हाट में राजा प्रतापादित्य को एक निशंस अत्याचारी राजा के रूप में पेश किया और बंगाल के जनजीवन का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया। जिस समय अल्बर्ट बिल 1883 की तरह के मुद्दों पर चंद बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके कोरे विरोध प्रस्तावों की एजिटेशनल राजनीति की जा रही थी, उस समय ऐसी राजनीति को भिक्षा की राजनीति बताकर फटकारने से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। कोटेशन, हमारे देश में पॉलिटिकल एजिटेशन करना भिक्षा वृत्ति करने जैसा है। भिखारी का मंगल नहीं हो सकता, भिखारी जाति का भी मंगल नहीं हो सकता। अंग्रेजों से भीख में हमें और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता नहीं मिल सकती। सरकार को जगाने के लिए वे जितनी मेहनत कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को जगाने में उतनी मेहनत करने से काफ़ी अधिक सुफल मिलेगा। कोटेशन क्लोज। रविन्द्रनाथ का यह आध्यात्मिक आधार ही था जिसके चलते सारी दुनिया के श्रेष्ठतम मस्तिष्कों से अंतर्क्रिया करते हुए भी वे पश्चिमी सभ्यता के मोह पास में कभी नहीं फंसे। 1890 में अपनी दूसरी विलायत यात्रा के बाद पश्चिमी सभ्यता को चुनौती देते हुए वे कहते हैं, कोट, तुमने बहुत जान लिया है, काफ़ी पाया है, लेकिन सुख मिला है क्या? हम विश्व संसार को माया बताकर बैठे हुए हैं और तुम उसे ध्रुव सत्य बताकर खट खट कर मर रहे हो। तुम क्या हमसे ज़्यादा सुखी हो गए हो? इस प्रकार के तमाम सवालों के तीरों से रविन्द्रनाथ ने अपने लेख नूतन और पुरातन में पश्चिमी सभ्यता को बुरी तरह से बीता था। दुनिया भर में यूरोपीय जातियों के साम्राज्यों की दुर्दशा पर उनकी यह टिप्पणी बहुत प्रसिद्ध है कि, कोट, यूरोपीय जाति यूरोप में जितनी सभ्य, जितनी दयावान, जितनी न्यायपूर्ण है, यूरोप के बाहर उतनी नहीं है। अब तक इसके अनेक प्रमाण मिल चुके हैं। कोटेशन क्लोज। सर, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, लेकिन रविन्द्रनाथ में कांग्रेस के प्रारंभिक अरुणय विनय और शिष्टमंडलों की राजनीति के प्रति जरा भी आकर्षण नहीं था। वे कांग्रेस के मंच की भाषा से कोसों दूर थे। उस समय सुधीन्द्रनाथ ठाकुर साधना पत्रिका निकालते थे। रविन्द्रनाथ ही उस पत्रिका के प्रमुख लेखक और केंद्रीय आकर्षण थे। इस मंच का प्रयोग उन्होंने खुलकर अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया। माड्रेटो और कांग्रेस के मंच की थूथी वागाडंबर पर टिकी राजनीति पर कटाक्ष करते हुए वे लिखते हैं, कोट, आज पृथ्वी की रणभूमि में हम कौन सा हथियार लेकर खड़े हैं? सिर्फ भाषण और निवेदन? कौन से कवच पहनकर अपनी आत्मरक्षा करना चाहते हैं? सिर्फ छद्म वेश? इस तरह कितने दिनों तक काम चलेगा और कितना तो फल मिलेगा? कोटेशन क्लोज। और भी गौर करने लायक बात यह है कि रविन्द्रनाथ की उपनिषदिक शिक्षा उन्हें पुनरुत्थानवाद की ओर नहीं ढकेलती। काफ़ी दबाव के बावजूद वे तिलक के गणपति उत्सव और वीर शिवाजी के मिथक की तर्ज पर किसी देवी देवता की वंदना के सार्वजनिक उत्सव या बंगाली राजा की वीर गाथा का आख्यान खड़ा नहीं करते। न गोरक्षिणी सभा के गोरक्षा की तरह के आंदोलन के प्रति उनकी कोई सहानुभूति थी। इसके विपरीत रविन्द्रनाथ की सहानुभूति संथाल विद्रोह और सिपाही विद्रोह के प्रति थी। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को वे काफ़ी पहले से ही समझने लगे थे और यही वजह है कि वे हमेशा कविता के कल्पना लोक से निकलकर लड़ाई के मैदान में उतर पड़ने के लिए आकुल रहा करते थे। उनकी अमर कविता ए बार फिराओ बोरे के ये शब्द, ए बार फिराओ बोरे लोए जाओ संसार रे तीरे, हे कल्पने रंगमयी दोलाओ दा समीरे समीरे, तरंगे तरंगे यार भुलाओ ना मोहिनी माया है, बिजन विषाद घन अंतरे निकुंज छाया है, रेखो ना मोसाए
बोसाए आर, अब भूजल उठाकर संसार के तट पर ले आओ। हे कल्पना की रंगमयी, मत झुलाओ हवा हवा में, लहर लहर में ना मोहित करो मोहिनी माया से। निर्जन घने विषाद भरे अंतर की लताओं की छाया में मत रखो और बैठा कर। इसी प्रकार उनका असाधारण आह्वान गीत चलो दीवालोक के, चलो दीवालोक, चलो लोकालोय, चलो जन कोलाहल, विषाबो हृदय मानव हृदय असीम आकाश तले, चलो दीवालोक में लोकालय में, चलो जन कोलाहल में, मिलाऊंगा हृदय मानव हृदय से असीम आकाश के तले। रविन्द्रनाथ की लेखनी का यह साधना युग इसीलिए काफ़ी उल्लेखनीय है। उस दौरान अपने लेखों के जरिए उन्होंने अपने खुद की राजनीति की एक साफ रूपरेखा रखी थी। कांग्रेस के साथ उनका मतभेद मुख्यतः इस बात पर था कि उन्हें राजनीतिक विचारधारा के मामले में इंग्लैंड और उसकी 100 नियमों से बंधी पार्लियामेंट्री राजनीति स्वीकार्य नहीं थी। यूरोप के बाहर भारत सहित हर जगह उन्होंने अंग्रेजों को एक घृणित शोषक और उत्पीड़क के रूप में देखा था। कांग्रेस के लोगों की अंग्रेज भक्ति उन्हें सहन नहीं थी। फिर भी रविन्द्रनाथ को कांग्रेस विरोधी कहना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के जघन्य रूप के प्रति गहरी नफरत के बावजूद इंग्लैंड के भी मुट्ठी भर विवेकवान लोगों के प्रति अपनी आंतरिक श्रद्धा व्यक्त करने में भी उन्होंने कभी किसी प्रकार की कृपणता का परिचय नहीं दिया। सिडिशन एक्ट और 1897 में राणा दे हत्या मामले में तिलक की गिरफ्तारी, लॉर्ड कर्जन का यूनिवर्सिटी बिल 1902, बंग बंग का प्रस्ताव 1905, स्वदेशी आंदोलन, साम्राज्यवादियों का पहला विश्व युद्ध, इन मामलों में रविन्द्रनाथ जनता के जनतांत्रिक अधिकारों के एक प्रबल पक्षधर और भारत की राष्ट्रीय एकता के एक जागरूक प्रहरी के रूप में उभर कर सामने आए थे। यही वह काल था जब 1901 के अंतिम दिनों में रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। यह रविन्द्रनाथ के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक पहलू था, जिसके केंद्र में भी उनके आध्यात्मिक संस्कारों की एक बड़ी भूमिका थी। शांति निकेतन के पीछे प्राचीन भारत के तपोवन की पूरी अवधारणा काम कर रही थी। बाद के दिनों में शिक्षा संबंधी उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन हुए, फिर भी अपने इस तपोवन से उनका क्या तात्पर्य था, इसे 1909 में तपोवन शीर्षक लेख में वे बताते हैं। कोटेशन, भारतवर्ष ने जिस सत्य को अपने निश्चित भाव से उपलब्ध किया है वह सत्य क्या है? वह सत्य प्रधानतः वणिक वृत्ति नहीं है, स्वादेशिकता नहीं है, स्वराज्य नहीं है, वह है विश्वबोध। इस सत्य की भारत के तपोवन में साधना हुई है, इसका उपनिषद में उच्चारण हुआ है। भारत ने प्रबलता को नहीं परिपूर्णता को चाहा था। इस परिपूर्णता का अर्थ है निखिल के साथ सहयोग, निखिल के साथ योग, और योग विनम्र होकर अहंकार को दूर करके ही स्थापित हो सकता है। कोटेशन क्लोज। स्वदेशी आंदोलन का जो दबाव कवि को जन कोलाहल के बीच चले जाने के लिए प्रेरित कर रहा था, राजनीतिक उथल पुथल के इसी दौर में गिरडी में बैठकर रविन्द्रनाथ ने देशभक्ति के जो चंद अमर गीत लिखे, उन्होंने बांग्ला जाति चेतना के निर्माण में अकल्पनीय भूमिका अदा की थी। जदि तो पहला जैसे जदि तो डाक सुने क्यों ना आसे तबे तो एकला चलो रे, इसके बाद बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो हे भगवान, ओ आमार देशेर माटी तुमार परे ठेकाई माथा, आमार सोदार बांग्ला आबि तुमाय भालोबासी, सार्थक जन्म आमार जन्मेछि एई देशे, एबार तोर मरा गंगे बाँध एसेछे, जय मा बोले भाषा तरी। रविन्द्रनाथ के ये सारे गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं स्वदेशी पूरे आंदोलन के दौर में, इसी काल की देन है। इसी काल में राष्ट्रीय शिक्षा और ग्राम्य समाज के संगठन के बारे में रविन्द्रनाथ ने कई लेख लिखे। बंग विरोधी आंदोलन के साथ ही हिंदू मुस्लिम समस्या ने भी एक विकट रूप लेना शुरू कर दिया था।
रविन्द्रनाथ इस समस्या से काफ़ी विचलित थे। उन्होंने यह साफ देखा था कि अंग्रेज यदि हिंदू और मुसलमानों के बीच विद्वेष पैदा करने में सफल हो रहे हैं तो इसका संबंध हमारे समाज की सच्चाई से है। इसे रविन्द्रनाथ हमारा पाप कहते हैं। हम सैकड़ों वर्षों से साथ साथ रहते हैं, एक खेत की उपज, एक नदी के जल, एक सूरज के प्रकाश का भोग करते आ रहे हैं। हम एक भाषा में बात करते हैं, हम एक ही सुख दुख के लोग हैं। फिर भी पड़ोसी के साथ पड़ोसी का जो मानवोचित संबंध है, जो धर्म से अलग है, वह हमारे बीच नहीं है। हम जानते हैं बांग्लादेश में बहुत सी जगहों में हिंदू मुसलमान एक चटाई पर साथ साथ नहीं बैठते हैं। घर में मुसलमान के आने पर जाजम का एक हिस्सा लपेट दिया जाता है, हुक्के के पानी को फेंक दिया जाता है। यदि शास्त्रों में ऐसा विधान है तो ऐसे शास्त्र को लेकर स्वदेश स्वजाति स्वराज की स्थापना कभी भी नहीं की जा सकती है। सभी जानते हैं बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद का काल ही बंगाल में उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के उभार का काल भी था। रविन्द्रनाथ को इस जन विच्छिन्न उग्रवाद से बेहद परहेज था। इसके साथ वे अपने को वैचारिक रूप में ही अलग नहीं पाते थे, बल्कि ऐसे उग्रवाद को वे एक चारित्रिक व्याधि के रूप में देखते थे। उनका भारी विवादास्पद उपन्यास घोरे बाई रे और अंतिम उपन्यास चार अध्याय इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। इसके साथ ही गौर करने लायक बात एक और है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विवेकानंद, रविन्द्रनाथ, निवेदिता उकाकुरा आदि सभी मनीषियों में एक प्रकार के उग्र प्राच्यवाद का स्वर सुनाई देता था। लेकिन स्वदेशी युग के अंतिम दौर में इनमें से सबसे पहले रविन्द्रनाथ ने ही उग्र प्राच्यवाद और उसके साथ ही हिंदूपन के खिलाफ लड़ाई की जरूरत का आह्वान करते हुए कहा कि कोट पश्चिम के साथ पूरब को मिलना ही होगा। इसके बाद से ही रविन्द्रनाथ में पूरब और पश्चिम के बीच मिलन के स्वर क्रमशः प्रबल होने लगे। यह मिलन ज्ञान विज्ञान शिक्षा कला साहित्य संस्कृति आदि तमाम विषयों पर आपसी आदान प्रदान पर आधारित होगा। वे पश्चिमी उग्रवाद के भी समान रूप से विरोधी थे। मूलतः आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद ही उनके इन तमाम विचारों का मूल आधार था। सन 1912 में रविन्द्रनाथ तीसरी बार विलायत की यात्रा पर गए और साथ ही अमेरिका भी पहुँचे। अमेरिका से लिखे उनके पत्रों से पता चलता है कि उनके मन में तभी शांति निकेतन के लिए विदेश से वित्त संग्रह का विचार आया था। वहीं पर उन्हें मैकमिलन कंपनी द्वारा गीतांजलि के अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन की खबर भी मिली। 13 नवंबर 1913 के दिन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और 1914 की जुलाई के अंतिम दिनों में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। रविन्द्रनाथ ने इसे अपनी भाषा में विश्व पाप कहा। उस समय की उनकी कविताओं और लेखों में उनकी इस भावना का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। रविन्द्रनाथ ने सच्चे अर्थों में यदि किसी भारतीय व्यक्तित्व के साथ खुलकर किसी विमर्श में हिस्सा लिया था तो वे थे महात्मा गांधी। गांधी जी 1915 में भारत आए। रविन्द्रनाथ के साथ उनका संपर्क उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवास के समय ही हो गया था। जब वे भारत आए उस समय शांति निकेतन में उनके दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स विश्वविद्यालय के कुछ छात्र ठहरे हुए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस समय गांधी जी हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता और विज्ञान को एक सिरे से नकार रहे थे, उसी समय पश्चिम के साथ निरंतर संपर्क के चलते रविन्द्रनाथ क्रमशः अपने आध्यात्मिक खोल से निकलकर वैज्ञानिक चेतना की ओर बढ़ने लगे थे। C.F. एंड्रूज, जिनसे रविन्द्रनाथ की मुलाकात तीसरी विलायत यात्रा में हुई थी और जो परवर्ती दिनों में शांति निकेतन से जुड़ गए थे, उनको लिखे एक पत्र में कवि कहते हैं, कोट, वी ऑल होप यर साइंस इन द एंड विल हेल्प मैन, सी विल मेक द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इजीली एक्सेसिबल टू एवरी मैन सो दैट ह्यूमैनिटी विल बी फ्रीड फ्रॉम द टायरनी ऑफ मैटर विच नाउ ह्यूमिलिएट्स अस हर दिस स्ट्रगलिंग मास ऑफ मैन इज ग्रेट इन इट्स पैथोस इन इट्स लेटेंसी ऑफ इनफाइनाइट पावर। कोटेशन क्लोज। 1916 में रविन्द्रनाथ जापान की यात्रा पर गए।
और वहीं से फिर एक बार अमेरिका गए। जापान में रहते हुए ही उन्होंने साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद की तीव्र निंदा करने वाले वे भाषण लिखे जो उनकी पुस्तिका नेशनलिज्म में संकलित है। जापान तब एशियाई शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जापान में राष्ट्रवाद शीर्षक लेख में रविन्द्रनाथ लिखते हैं, कोट, पुरातन प्राच्य के शिशु जापान ने आधुनिक युग के सभी उपहारों पर निसंकोच अपना अधिकार जताया है। उसने पुरानी आदतों की जकड़त एवं सुस्त दिमाग के व्यर्थ ढेर को त्यागने में साहसिक जीवट का परिचय दिया है, जो अन्यथा मितव्ययिता और ताले चाबी की सुरक्षा में ही रहना पसंद करते हैं। फलस्वरूप वह वर्तमान समय के संपर्क में आया है और उसने आधुनिक सभ्यता की जिम्मेदारियों को उत्सुकता व पूरी योग्यता से स्वीकार किया है। कोटेशन क्लोज। इसी लेख में आगे जाकर रविन्द्रनाथ पश्चिमी राष्ट्रवाद के युद्धोन्माद की तीखी निंदा करते हुए जापान के बारे में कहते हैं कि कोटेशन, पश्चिमी राष्ट्रों ने उसे तब तक आदर नहीं दिया जब तक उसने यह सिद्ध नहीं कर दिया कि शैतान के जासूसी कुत्ते न केवल यूरोप के कुत्ता घरों में पलते हैं बल्कि जापान में भी उन्हें पालतू बनाया जा सकता है और उन्हें खाने को मानव के दुख त्रास दिए जा सकते हैं। कोटेशन जारी है, पूर्व ने अपने सहज ज्ञान से यह अनुभव कर लिया था भले ही अरुचि के साथ कि उसे यूरोप से बहुत कुछ सीखना है। इन सभी चीज़ों से बढ़कर यूरोप ने सदियों के बलिदान तथा उपलब्धता के सहारे हमारे सामने स्वतंत्रता के परचम को ऊंचा उठाए रखा है, क्योंकि यूरोप को हमने अपना गहन सम्मान दिया है। इसीलिए जहाँ कहीं भी वह दुर्बल तथा झूठा दिखाई देता है वहीं वह हमारे लिए उतना ही ज़्यादा हानिकारक भी उठता है, श्रेष्ठ भोजन के साथ परोसे गए विष की तरह। कोटेशन क्लोज। जापान से वे निवेदन करते हैं, कोटेशन, आप में आस्था की शक्ति एवं सोच की स्पष्टता होनी चाहिए ताकि आप यह साफ साफ देख सकें कि प्रगति का यह बद्दा ढांचा जो कुशलता के बोल्टों से कसा हुआ है और महत्वाकांक्षा के पहियों पर दौड़ता रहता है ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। क्या हमें आज इसके संकेत नहीं दिख रहे हैं? क्या हमें युद्ध के शोर, नफरत की चीखों, निराशा भरे रुदन, सदियों के मंथन से राष्ट्र के तल में जमे बेशुमार कीचड़ से आती हुई वह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? एक ऐसी आवाज़ जो हमारी आत्मा को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि राष्ट्रीय स्वार्थ की मीनार जो देशभक्ति के नाम पर निर्मित की गई है और जिसने स्वर्ग के विरुद्ध अपना परचम फहराया हुआ है उसे अब अपने ही बोझ से हरा कर ढह जाना चाहिए। कोटेशन क्लोज। रविन्द्रनाथ के इन भाषणों पर जापान, अमेरिका और यूरोप में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे इसके बारे में काफ़ी सवाल जवाब किए गए थे। बहरहाल 1916 में भारत सचिव मॉन्टेग्यू भारत आए। यहाँ की शासन व्यवस्था में सुधार के लिए उन्होंने विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं से मुलाकात की। पूरे देश में इसे लेकर काफ़ी उत्तेजना थी। इस बारे में रविन्द्रनाथ का साफ मत था कि कोटेशन, भिक्षा लेकर हम स्वाधीन नहीं होंगे, कभी नहीं। स्वाधीनता अंतर की बात है, तपस्या के बल पर हम इस दान के अधिकार को हासिल करेंगे, भीख के अधिकार को नहीं। किसी भी लालच में पड़कर हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कोटेशन क्लोज। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी और कांग्रेस ने इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ पूर्ण सहयोग का रास्ता अपनाया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा विश्व युद्ध की समाप्ति के थोड़ा पहले ही हो गई थी, खत्म हुआ उसके तत्काल बाद कांग्रेस के मंच से भारत को आत्मनियंत्रण का अधिकार देने की मांग जोरदार ढंग से उठी। उसी काल में 23 दिसंबर 1918 के दिन शांति निकेतन में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विश्व भारती की आधारशिला रखी गई। विश्व भारती की ओर से रविन्द्रनाथ का यही संदेश था, कोट, हम मानव विधाता के राजपथ पर महामानव के गीत गाते जाएंगे, महाविश्व के पथ को हम देश के अनुरूप ग्रहण करेंगे। कोटेशन क्लोज। रविन्द्रनाथ को विश्व भारती के लिए सारी दुनिया के नागरिकों से सक्रिय सहयोग की भारी उम्मीद थी। 13 अप्रैल 1919 के दिन
जलियांवाला बाग के नरसंहार से विक्षुब्ध रविन्द्रनाथ ने 1915 में मिली अपनी नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया। इस घटना के ठीक एक दिन पहले ही रविन्द्रनाथ ने गांधी जी को पत्र लिखकर यह कहा था कि कोट स्वाधीनता की महान भेंट जनता को दान में कभी नहीं मिल सकती, हमको इसे उपलब्ध करने के लिए इसे जीतना होगा। मैं अत्यंत हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि आपके मार्ग में कोई रोड़ा न अटके जिससे हमारी आध्यात्मिक स्वाधीनता कमजोर पड़ जाए। क्वेश्चन क्लोज। विश्व भारती के लिए सारी दुनिया के लोगों की शुभकामनाएं और सहयोग लेने के लिए ही 12 मई 1920 के दिन कवि यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर निकल पड़े। लगभग 14 महीने तक अमेरिका और यूरोप के नाना देशों की यात्रा के बाद 16 जुलाई 1921 के दिन मुंबई से वर्धमान होकर शांति निकेतन लौटे। इस दौरान उन्होंने शांति निकेतन में एंड्रूज के नाम ढेरों पत्र लिखे। भारत के तत्कालीन उत्तेजनापूर्ण राजनीतिक परिस्थिति पर उनकी नज़र लगातार टिकी हुई थी। यह समय भारत में रॉलट एक्ट के खिलाफ और खिलाफत और गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समय था। अपने एक पत्र में वे एंड्रूज को लिखते हैं, कोट, कीप शांति निकेतन अवे फ्रॉम द टर्मोइल्स ऑफ पॉलिटिक्स। वी मस्ट फॉरगेट दैट आवर मिशन इज नॉट पॉलिटिकल। वी मस्ट नेवर फॉरगेट दैट आवर मिशन इज नॉट पॉलिटिकल। वेयर आई हैव माई पॉलिटिक्स, आई डू नॉट बिलोंग टू शांति निकेतन। कोटेशन क्लोज। वे इस बात पर हमेशा बल दे रहे थे कि राजनीतिक स्वराज से ही मोक्ष नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मा की है। मनुष्य की मुक्ति की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है। रविन्द्रनाथ जब भारत लौटे, गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। शांति निकेतन भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रहा था। शांति निकेतन का कोलकाता विश्वविद्यालय के साथ जो थोड़ा सा संपर्क बना था वह टूट गया। जहाँ तक खिलाफत आंदोलन के समय सामूहिक तौर पर बनी हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल था, रविन्द्रनाथ के मन में इसके बारे में काफ़ी संदेह था और बाद में वह संदेह सच भी साबित हुआ। असहयोग आंदोलन की घोषणा के साल भर बाद 6 सितंबर 1921 के दिन गांधी जी कोलकाता आए थे। कवि से उनके जोड़ा साकू के घर में मुलाकात हुई और दोनों के बीच एंड्रूज की उपस्थिति में लगभग 4 घंटे तक वार्ता चली। भारत की स्वतंत्रता के साध्य और साधन पर हुई इस वार्ता को कोई फल नहीं निकला, लेकिन जैसा कि रोमिया रोला ने लिखा है, इट सीम्स एज इफ इट वेर अ कंट्रोवर्सी बिटवीन ए सेंट पॉल एंड ए प्लेटो। गांधी जी और रविन्द्रनाथ के बीच 1915 से लेकर कवि की उम्र की आखिरी घड़ी 1941 तक लगातार भाषा दी थी असहयोग, सत्याग्रह, सत्य और प्रेम, चरखा और स्वराज्य, पूना समझौता, बिहार का भूकंप तथा विश्वास और अंधविश्वास आदि नाना विषयों पर वार्ताएं और पत्राचार होते रहे। इस समूचे विमर्श को अनेक अर्थों में भारी ऐतिहासिक महत्व का एक राष्ट्रीय विमर्श कहा जा सकता है। 1922 के 20 सितंबर से दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते तक रविन्द्रनाथ पश्चिम भारत, श्रीलंका और फिर पश्चिम भारत की यात्रा पर रहे। वहाँ से लौटकर आने के कुछ दिनों बाद उत्तर भारत की यात्रा, काशी, लखनऊ से अहमदाबाद, मुंबई होकर कराची, सिंध के हैदराबाद से स्टीमर से काठियावाड़ के पोरबंदर पर चल दिए। इन यात्राओं का एकमात्र लक्ष्य शांति निकेतन के उद्देश्यों का प्रचार करना था। तब से सन 1926 तक कवि चीन, जापान, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, 2 बार इटली, जर्मनी और यूरोप के अनेक देशों की लंबी लंबी यात्राएं करते रहे। इटली के फासिस्ट शासक मुसोलिनी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने उसकी प्रशंसा में कुछ बात कह दी जिनका मुसोलिनी ने सारी दुनिया में प्रचार करा के काफ़ी लाभ उठाया। इस दौरान उन्होंने कई नाटक और कविताएँ लिखी और साहित्य, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तमाम विषयों पर भाषण दिए। 1927 में भारत आकर भी
वे देश के कोने कोने में विश्व भारती के कामों से ही घूमते रहे। 1929 में फिर कनाडा, हाँ 1929 में फिर कनाडा जापान की यात्रा पर निकल गए। 1930 में यूरोप की अपनी अंतिम यात्रा पर गए। इसी यात्रा में 11 सितंबर 1930 के दिन रविन्द्रनाथ सोवियत संघ पहुँचे। सोवियत संघ को देखने की उनकी लालसा काफ़ी अरसे से थी। रूस की इस यात्रा पर उन्होंने लिखा, कोटेशन, अंत में रूस आना ही आना हो गया, जो देखा अचरज हुआ, दूसरे किसी देश जैसा नहीं, जैसा ही नहीं था, एकदम बुनियादी तौर पर अलग, नीचे से ऊपर तक सब लोगों को इन्होंने समान रूप से जगा दिया है। रूस से ही अपने बेटे रथिंद्रनाथ को जमींदारी प्रथा के बारे में उन्होंने लिखा, कोट, जैसे दिन आ रहे हैं उनमें जमींदारी पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ के प्रति काफ़ी लंबे अरसे से मेरे मन में धिक्कार था, अब वह और भी दृढ़ हो गया। जिन सब बातों को काफ़ी अरसे से सोचता था, इस बार रूस में उसकी सूरत देख आया, इसीलिए जमींदारी व्यवसाय पर मुझे शर्म आती है। कोटेशन क्लोज। रविन्द्रनाथ की रूस की चिट्ठी में सोवियत संघ और समाजवादी व्यवस्था की जिस प्रकार भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, वह उनके गहन मानवतावादी दृष्टिकोण में एक बड़े विस्तार का सूचक है। सोवियत संघ से रविन्द्रनाथ सीधे अमेरिका की यात्रा पर चले गए और यह उनकी अमेरिका की अंतिम यात्रा थी। वहाँ से 31 जनवरी 1931 के दिन भारत आए। 1932 में ईरान और इराक की यात्रा पर गए। 1934 में रविन्द्रनाथ एक बार फिर तीसरी बार श्रीलंका की यात्रा पर गए और वहीं पर उन्होंने अपने सबसे अधिक विवादास्पद उपन्यास 4 अध्याय को पूरा किया। सन 35 से 38 तक के काल में कवि मूलतः देश के कुछ स्थानों की यात्राओं के अलावा शांति निकेतन की गतिविधियों में ही अधिक मुक्ति ला रहे हैं। 17 सितंबर 1940 के दिन वे शांति निकेतन से अंतिम बार निकले थे। इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसमें शक नहीं कि यह विश्व युद्ध रविन्द्रनाथ के जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना था। वस्तुतः 1939 से लेकर अपनी मृत्यु 7 अगस्त 1941 तक वे इस युद्ध की परिस्थितियों के बारे में लगातार चिंतित रहे। इस युद्ध में वे साफ तौर पर पूरी मनुष्यता के अस्तित्व पर खतरे को देख रहे थे और इसीलिए फासिस्ट ताकतों के खिलाफ मित्र शक्तियों के प्रति उनकी सहानुभूति और समर्थन में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं था। रूस का अनुभव उनके साथ था और उसके प्रति प्रकट सहानुभूति भी। अपने अंतिम दिनों में इसी काल में कवि ने अंतिम इच्छा के रूप में सभ्यता का संकट ऐतिहासिक लेख लिखा, जिसमें 14 मई 1941 के दिन, जिसे 14 मई 1941 के दिन शांति निकेतन में पढ़ा गया। कवि तब 80 साल के हो गए थे। इस लेख का प्रारंभ वे इन शब्दों से करते हैं, कोट, आज मेरे जीवन के 80 वर्ष पूर्ण हुए, अपने जीवन क्षेत्र का दीर्घ विस्तार आज मेरे सामने आता है। कोट जारी है, पाश्चात्य जातियों में को अपनी सभ्यता पर जो गर्व है उसके प्रति श्रद्धा रखना अब असंभव हो गया है। वह सभ्यता हमें अपना शक्ति रूप दिखा चुकी है, लेकिन मुक्ति रूप नहीं दिखा सकी। मनुष्य का मनुष्य के साथ वह संबंध जो सबसे अधिक मूल्यवान है और जिसे वास्तव में सभ्यता कहा जा सकता है, यहाँ नहीं मिलता। इसी बीच मैंने देखा कि यूरोप में मूर्तिमंत बर्बरता अपने नखदंत बाहर निकालकर विभीषिका की तरह बढ़ती जा रही है। मानव जाति को पीड़ित करने वाली इस महामारी का पाश्चात्य सभ्यता की मज्जा में जन्म हुआ। वहाँ से उठकर आज उसने मानव आत्मा का अपमान करते हुए दिग्दिगंतर के वातावरण को कलुषित कर दिया है। हमारे अभागे निसहाय जकड़े हुए देश की दरिद्रता में क्या हमें उसका आभास नहीं मिलता? आगे वे कहते हैं, एक न एक दिन भाग्य चक्र पलटा खाएगा और अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़कर जाना होगा, लेकिन किस तरह के भारत को वे पीछे छोड़ कर जाएंगे? जीवन के प्रथम भाग में मेरा हार्दिक विश्वास था कि सभ्यता दानी
यूरोप की आंतरिक संपत्ति है। आज जब जीवन से विदा होने का दिन समीप आ रहा है, मेरे इस विश्वास का दिवाला निकल चुका है। लेकिन मनुष्य के प्रति विश्वास खो देना पाप है। अंतिम क्षण तक इस विश्वास की रक्षा करूँगा। जो लोग प्रबल और प्रतापशाली है, उनकी शक्ति, गर्व और आत्मा विवाद अजय नहीं है। निश्चय ही इस सत्य का हमें प्रमाण मिलेगा। महामानव का आगमन है, दिशा दिशा में घास का तिनका तिनका रोमांचित है। देवलोक में शंख बज उठा, जय जय रे मानव अभ्युदय। रविन्द्रनाथ के जीवन के इस पूरे आख्यान को यदि कोई गहराई से देखेगा तो उसे इसमें शुरू से अंत तक महाविश्व के महामानव की प्रतिमा का एक ऐसा सूत्र पिरोया हुआ दिखाई देगा, जिस प्रतिमा को उन्होंने जीवन के प्रारंभ में ही अपने आध्यात्मिक संस्कार से हृदय में बहुत गहरे बसा लिया था, और उम्र की अंतिम घड़ी तक वे उसी महामानव की जयकार का गीत गाते रहे। उसमें किसी भी प्रकार की लघुता का कोई स्थान नहीं था। नमस्कार।